ना मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। भागवत गीता के 8वें भाग का विषय है गॉड इज द लॉ एंड द लॉ इज ही, जिसे हम जानेंगे गीता उपदेश के 9वें अध्याय के 4थे और 5वें श्लोकों के द्वारा। ईश्वर के इस तरह के योगमय स्वरूप को हम इस तरह समझ सकते हैं कि जिस तरह कोई मैजिशियन या जादूगर अपने जादू से एक तालाब का निर्माण करता है और अपनी उसी जादुई शक्ति से उसे मछलियों तथा अन्य जलीय जीवों से भर देता है, मछली तथा अन्य जीव बिना यह जाने तालाब का और उस तालाब में उपस्थित सारी सभी वस्तुओं का उपयोग बिना यह जाने करते हैं कि यह सब उस मैजिशियन द्वारा बनाया गया है या दिया गया है। वे उसे मात्र एक प्राकृतिक स्रोत मानकर व्यवहार करते हैं, इतना कि यदि तालाब का पानी हर एक दिन में बदल जाए, हर दिन केरोसिन में और फिर दूसरे दिन तालाब में लगातार बदलता रहे, तो भी वे इस बदलाव को प्रकृति के नियम या प्रकृति के बदलाव या नियंत्रण की तरह ही लेंगे। उस सत्ता की उपस्थिति को नहीं जान पाते जो वास्तव में सब कुछ नियंत्रित कर रही है, संचालित कर रही है। यही करिश्मा है उस सर्वसत्ता का जो इतनी परफेक्शन या संपूर्णता के साथ इस सृष्टि को संचालित करते हुए भी खुद के अस्तित्व को पूर्णतः छुपा लेता है। मया ततम इतम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानी नाचा हम ते हु अवस्थितः। श्री कृष्ण कहते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति मेरे अव्यक्त रूप में ही व्याप्त है, सब मुझ में रहते हैं पर मैं उनमें नहीं रहता। ऑल दिस वर्ल्ड इज परवेडेड बाई मी इन फॉर्म अनमैनिफेस्ट, ऑल बींग्स अबाइड इन मी बट आई स्टैंड अपार्ट फ्रॉम देम। नाचा मतस्थानी भूतानी पश्चिमे योगमेश्वरम भूत भ्रन्न चा भूतस्थो ममात्मा भूति भावन। यह ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप में ही व्याप्त है, जगत के प्राणी मुझ में स्थित है पर मैं उनमें स्थित नहीं। मेरी वस्तुओं अर्थात जीव जंतुओं को धारण करने वाली, उन्हें उत्पन्न करने वाली आत्मा होकर भी मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है। लॉर्ड कृष्णा सेज एंड येट बींग्स आर नॉट रूटेड इन मी, बिहोल्ड द स्कीम ऑफ माई सॉवरेनिटी, माई सेल्फ द ओरिजिन एंड द सपोर्ट ऑफ बींग्स येट स्टैंडिंग अपार्ट फ्रॉम देम।